प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बहुत सारे किसानों का सवाल रहता है कि हमें अगली किस्त कब मिलेगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त 1 जनवरी 2022 को दी गई थी। उसके बाद बहुत सारे किसान सोच रहे हैं कि हमें अगली किस्त कब मिलेगी, और बहुत सारे वीडियोस में कमेंट भी किए जाते हैं कि हमारी 10वीं किस्त मिल चुकी है तो हमें 11वीं किस्त कब मिलेगी। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पीएम किसान योजना की गाइडलाइन के अनुसार बताऊंगा कि आपको अगली किस्त मिलने वाली है वो कौन से महीने में मिलेगी, कितनी तारीख को मिलेगी। अगर आपकी EKYC अभी तक कम्प्लीट नहीं हो पाई है तो क्या आपको अगली किस्त मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ पीएम किसान योजना की गाइडलाइन। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। यह पैसा साल में आपको 3 किस्त के तौर पर दिया जाता है, 3 इंस्टॉलमेंट, और 2,000 रुपये करके पैसे दिए जाते हैं, और 4 महीने के अंतराल से एक पैसे मिलते हैं। और इसमें जो पहली किस्त है वो अप्रैल से जुलाई के बीच दी जाती है, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच दी जाती है, तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच दी जाती है। तो इसी के बीच प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 2021 की लास्ट किस्त थी, तीसरी किस्त थी, वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 1 जनवरी 2022 को दी गई थी। अब मैं आपको बता दूं 2022 की पहली किस्त आनी है, उसका समय अप्रैल से जुलाई का है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं 3 साल से लगातार है वो अप्रैल से जुलाई की जो पहली किस्त आती है वो मात्र अप्रैल महीने में दी जाती है। मोदी सरकार अप्रैल महीने में है वो पैसे ट्रांसफ़र कर देती है। तो इस बार जो 2022 की पहली किस्त आने वाली है वो अप्रैल माह में आने वाली है, यानी अभी मार्च चल रहा है, तो अगले महीने पीएम किसान योजना की 2,000 रुपये किस्त आने वाली है। यह बहुत सारे किसानों की 11वीं किस्त होगी, बहुत सारे किसानों की 10वीं किस्त होगी। जैसे जिन्होंने किसानों ने बाद में आवेदन किया उसी के हिसाब से अगली किस्त मिलने वाली है। हालाँकि यहाँ पर मैं कन्फर्म बता सकता हूँ कि आपको अप्रैल माह में किस्त मिलने वाली है, आपको 15 अप्रैल को मिलती है या फिर 25 अप्रैल को मिलती है, इसका कोई अभी फिक्स नहीं होता। मोदी जी का शेड्यूल तैयार हो जाएगा उस समय यहाँ पर आपकी डेट भी फिक्स हो जाएगी कि 15 अप्रैल को आएगी, 25 अप्रैल को आएगी या फिर 10 अप्रैल को आएगी, और हो सकता है 1 अप्रैल को भी आ सकता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि अभी 1 अप्रैल को नहीं बल्कि 15 अप्रैल या फिर 25 अप्रैल तक तय किया जाना है पीएम किसान योजना की अगले किस्त की डेट को। तो यहाँ पर आपकी अप्रैल माह में अगले किस्त 2,000 रुपये की आने वाली है अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं, अगर आपको सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं। तो बात आती है कि पीएम किसान योजना की जो अगले महीने किस्त आने वाली है यानी अप्रैल माह में 2,000 रुपये किस्त आएगी, वो अगर आपने EKYC अभी तक कंप्लीट नहीं किया तो मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो इसके बारे में EKYC की लास्ट डेट है वो मात्र 31 मार्च दी गई है। 31 मार्च से पहले पहले आपको EKYC करवानी होगी। हालांकि EKYC अभी सही से स्टार्ट नहीं हो पाई है, सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप के माध्यम से EKYC हो रही है, बाकी मोबाइल से भी तो एरर आ रहा है और CSE से भी EKYC नहीं हो पा रही है। तो EKYC अभी मैंडेटरी तो नहीं रखा गया है, लेकिन कहा गया है कि आपको EKYC 31 मार्च से पहले करवानी होगी वरना आपको पैसे नहीं मिलेगा। हालांकि अभी बहुत सारा समय है पीएम किसान योजना की अगली किस्त को भी और EKYC को भी, तो यहाँ पर जो भी नया अपडेट आता है तो मैं आपको देता रहूँगा। हालांकि अभी EKYC सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप और कंप्यूटर के माध्यम से हो रही है, वो भी सभी किसान नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता हो तो आप EKYC ज़रूर करवाइए। और अभी तो यही है कि पीएम किसान योजना की अगली किस्त EKYC के बिना नहीं मिलेगी, और अगर आप किसान हैं तो आप EKYC के बारे में पूरा ध्यान रखिएगा। जैसे स्टार्ट हो जाती है आप EKYC करवा लीजिएगा, और यहाँ पर मैं आपको अपडेट देता रहूँगा कब EKYC शुरू होगी, CSE से कब शुरू होगी, मोबाइल से कब शुरू होगी। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद किसान भाइयों, जैसे ही कोई नया अपडेट है तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा।